वापस एक बार मैंने मंगवाया ये रेसिन व्हील। एक्चुअली क्या हो गया ना, काफी टाइम पहले मेरे भाई ने मंगवाया था ये महंगा वाला रेसिंग व्हील। ये काफी ज्यादा महंगा है, ये वाला व्हील पड़ा था 53,000 में एंड ये वाला अभी का मैंने मंगवाया 7,500 में। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे कि कौन सा व्हील प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही है। ये आता है एक्चुअल वाला व्हील, ये इसके पेडल है एंड ये अटैच करने के लिए स्टैंड है शायद। दोस्तों ये वाला है अपना सस्ता वाला, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चिपका देंगे, हो गया इसका काम, ठीक है। एंड ये वाला है महंगा वाला, ठीक है, ये काफ़ी भारी भरकम है। इसका ये जो गियर वाला है ना, गियर वाला दिख रहा है, ये 6,000 का आता है एंड ये वाला पूरा व्हील का सेट आता है 7,300 का। तो आप सोच लो भाई कितना ज़्यादा महंगा ये वाला। इसके अंदर ये आता है गाइस, तो ऐसा करके हम लोग इसको लगा देते हैं नीचे। वैसे एक बकवास बात है कि इसके जो वायर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। ये लग गया सही से एकदम, वो टाइट हो गया एकदम, हाँ टाइट है एकदम। इसमें जो गियर का शिफ्टर आता है ना वो सिर्फ ऐसा है कि आगे पीछे आगे पीछे, इसमें जो आता है ये वाला मतलब फुल वाला एकदम ऐसा। दोस्तों अगर आपको दो दो गाड़ियाँ चलानी एक साथ तो ये दोनों भी ले सकते हो, आप हैवी ड्राइवर बन सकते हैं। ये देखो दोनों एक साथ चलाएंगे ऐसा, दो दो मॉनिटर पे। दोस्तों ये गेम चालू होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तब तक इससे खेलो। ये मैंने असेंबल किया था पूरा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। हाँ बट मैंने किया था इसलिए मेरे लिए लाइक बनता है। कल इसमें बटन्स मुझे काफ़ी सारे सेम ही दिख रहे हैं, लाइक यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह रहता है, यहाँ पे बटन्स रहते हैं, ये पीछे का भी काम करता है, ये पीछे से ना ये भी काम करते हैं एंड इधर पीछे से भी बटन्स है। ये फटाक से निकल रहा है यार, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइक लिटरली मैंने सही से लगाया स्टिल ऐसा निकलता है, पीछे खींचेंगे तो। इस वाले में भी देखो लगभग सेम ही बटन से, थोड़ा पोजिशन वगैरह अलग है बस, और थोड़े थोड़े बटन छोटे मोटे एक्स्ट्रा है एंड ये पीछे से तो सेम ही है यहाँ पे, बट इसके पीछे से बटन नहीं, लाइक स्टेयरिंग के पीछे से बटन नहीं है। जो महंगा वाला है उसमें तीन तीन आते जो पेडल्स आते वो एक्सेलरेटर ब्रेक और क्लच, एंड लिटरली बोलता हूँ फील एकदम रियल वाला आता है, गाड़ी में रियल आता है। और ये वाला है भाई इसमें से दो ही आते हैं और काफ़ी प्लास्टिक की फील है बट काम चला हुई है। गाइस यहाँ पे अपने पास अपनी लैम्बोर्गिनी उरस, भाई लिटरली लैम्बोर्गिनी हम लोग डायरेक्टली इस वाले सस्ते वाले रेसिंग व्हील पे चलाएंगे। दोस्तों यार अपने 5,00,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले, जल्दी जल्दी कर दो यार पहले ही, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको, धीरे धीरे चलाते। ओह फुल स्पीड पे भगा ना भाई भगा, थोड़ा टर्न वगैरह मार के देखता हूँ। अबे क्या हो गया, अरे लेट लेट क्यों टर्न मार रहा है ये, हेलो ये व्हील बकवास है क्या भाई, काफ़ी लेट टर्न हो रहा है। अरे इनपुट लैग क्यों इतना, सीरियसली बहुत ज़्यादा इनपुट लैग है दोस्तों। इनपुट लैग की वजह से ना थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा इसमें यूज़ करने में, बट क्या हो रहा है जब ठोकता मैं गाड़ी को वगैरह तो थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेशन देता है ये व्हील, वो तो एकदम ठीक ठीक बात है, लाइक एकदम वाइब्रेशन तो देगा नहीं, बट 7,000 के लिए क्या एक्सपेक्ट करूँगा। बट भाई बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, बट इनपुट लैग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अबे भाई अरे निकाल दिया सीधा। दोस्तों सच्ची बोलूँ एक्सपीरियंस ठीक ठाक सा है, एकदम ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से उसके जैसा ये 7,000 वाला है, मतलब एकदम भी सस्ता नहीं है, बट इनपुट लैग की वजह से मुझे मज़ा नहीं आ रहा, बाकी कुछ नहीं। बाकी ग्रिप वगैरह अच्छी है, फटाक से निकाल सकते वो कर सकते, वो भी बात बढ़िया है। वो गाड़ी भी बढ़िया आती यार गाड़ी, ये देखो गाड़ी क्या बढ़िया दिखती है भाई। जब ये वाला स्टार्ट होता ना ये काफ़ी घूमता है। एक और बात दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि ये वाला सिर्फ 180 तक जाता है, लाइक हाफ हाफ 180 हो गया काम, और ये वाला कुछ ज़्यादा ही घूमता है, लाइक अभी देखना 1.5 रोटेशन हो गया एंड देन ये साइड पे भी 1.5, मतलब 3 रोटेशन मार सकता है 900 डिग्रीज तक के आसपास ही। भाई इसमें बिल्कुल भी इनपुट लैग नहीं है, रियल टाइम है, एकदम रियल टाइम ये होता है एंड स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा कड़क है, लाइक लिटरली ये सब एक्चुअली सेटिंग में चेंज होता है। फील एक्चुअली बोलो अगर नॉर्मल सा रास्ता है तो इतना कुछ लगेगा नहीं, डिफरेंस ही नहीं है, दोनों सेम ही लगते हैं, बट जब कुछ हाँ देखो जब कुछ थोड़ा बहुत रास्ता यहाँ वहाँ होने लगता है तो ये स्टीयरिंग हिलती है लाइक काफ़ी ज़्यादा। ये देखना अभी, ये देखो दोस्तों मैंने गाड़ी ऐसे ही घुमा दी कहीं पे भी जहाँ पे जाए और ये व्हील अभी ठक ठक करने लग गया, लाइक काफ़ी ज़्यादा ये फीडबैक देता है उस टाइम पे। ऑफ रोडिंग के लिए भाई ये व्हील का मज़ा अलग है। ये भाई व्हील भी देखना
फटाक से आ जाता है अपनी सही पोजीशन पे, और इसको देखते हैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा दिया। ये भी आता है यार, ये भी आता है, ये देखना, ये भी आता है तुरंत। इसका रोटेशन का मैं इसलिए आता है, लेकिन इसको देखा अगर मैंने फुल्ली भी रोटेट कर लिया फटाक से आ जाता है ऑन पोजिशन। गाइज ये देखो, दोनों भी व्हील से हम लोग गाड़ी चला सकते हैं। ये देखो, इससे भी चलती है एंड इससे भी चलती है, लेफ्ट राइट हो रही है। तो हम लोग दोनों पे एक्सेलरेटर मारेंगे फुल और दोनों से चलाएंगे गाड़ी, देखते हैं। गाइज दो दो स्टीयरिंग से बताओ, किसी ने गाड़ी चलाई है क्या जिंदगी में? हाँ भाई, दो दो चलाएंगे भाई हम लोग। वो भाई आराम से चलता रहिए, चलता रहिए सही से। अबे दोनों भी हिल रहे हैं, वाइब्रेट करके दे रहे हो। हाँ वाह 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 वाह। गाइस हम लोग ना गेम में फुल्ली बढ़ा देते हैं फोर्स फीडबैक एंड वाइब्रेशन, देखते क्या होता है, देखते अभी क्या ही होता है। दोस्तों हम लोग उड़ाएंगे अभी एक फिरारी, उड़ा रहे हम लोग क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। इस पर वाइब्रेशन वगैरह नॉर्मल है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन इतना कुछ खास नहीं आ रहा है। गाइस अभी देखते इस पर कितना वाइब्रेशन आता है। ये देखो डायरेक्ट हिलने लगता है जोर जोर से, भाई टेबल तोड़ देगा ये बंदा। गाइस अभी हम लोग थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करेंगे, वो भी देखो कौन सी वाली गाड़ी के साथ। अपनी गाड़ी देखो यार, लैंड रोवर है भाई, क्या खतरनाक दिखती है, फुल्ली ऑफ रोडिंग के लिए बनी है। और अबे यार ये निकलता बहुत जल्दी है, मुझे इतना खास लग नहीं रहा है अलग सा, मुझे ऑफ रोडिंग करते हुए लाइक सेम टू सेम लग रहा है कोई भी गाड़ी चलाओ मैं। ऑब्वियसली बात है भाई, पैसे ही इतने दिए तो क्या ही बोलेंगे इसमें, ठीक है। तो इस पर आते अब भी देखते ऑफ रोडिंग का इसका फील कैसा है भाई। हाँ इसमें भाई स्टेयरिंग में लग रहा है कि हम लोग ऑफ रोडिंग पे आए, अभी तुरंत समझ जाता है। अगर मैं छोड़ दूँ स्टेयरिंग तो देखना हिलने लगती है और आवाज़ भी करती है। वो ये देखो मेरे हाथ तक हिल रहे हैं, इतनी ज़्यादा पावर है इसमें। पर काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें चलाने में, ऑनेस्टली बोलूँ इसमें भी आ रहा है मज़ा, बट उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है भाई। अभी क्या ही बोलेंगे, लिटरली 10 times का डिफरेंस है प्राइस के हिसाब से। लाइक ये वर्थ इट तो है नहीं, जिनको मतलब ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना है ना, जिनको कम खेलना है उनके लिए ये भाई बिल्कुल भी मतलब। सिर्फ ट्राई वगैरह करना है किसी को भी तो ये वाला बेटर है ट्राई करने के लिए। अगर आपके पास पीसी भी सही सा नहीं तो भाई ये लेने से अच्छा है कि इसके प्राइस में पीसी बन जाता है, लिटरली 53,000 में आपको एक गेमिंग पीसी आ जाएगा इसमें। दोस्तों आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो और कौन सा वाला ज़्यादा बेटर लगा वैल्यू फॉर मनी? गाइस मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वैल्यू फॉर मनी तो यही लगा मुझे, ये एकदम ही जिसको चाहिए ही चाहिए उसके लिए ये। सिर्फ नीचे कमेंट में बताना गाइस मेरी ड्राइविंग स्किल्स कैसी है, कुछ बुराई मत करना, लाइक देके रखो वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना भूल जाते यार तुम लोग। बाय।